उज्जैन में ऑटो रिक्शा में बैठकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटे गए मोबाइल व नकदी जब्त की है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज पांडे ने बताया कि विगत 3 दिन पूर्व चिंतामन बाईपास पर रेलवे क्रॉसिंग के पास इंदौर बाईपास स्थित पटेल ढाबे पर ट्रक चालकों के साथ हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी अजय पिता कैलाश चंद्र, गगन पिता रघुनंदन, अर्जुन पिता मुकेश माली, कौशिक पिता शशिभूषण सोनी, जितेंद्र पिता नंदराम और सोनू पिता कन्नू काछी से पूछताछ करने पर आरोपियों ने दोनों वारदातों को करना कबूल किया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई ऑटो रिक्शा, बगैर नंबर की एक्टिवा सहित 4,000 रुपये नकदी जब्त कर ली है। एक महाकाल थाना पुलिस है जिसमें है जो कि अपना एक खुद का ऑटो लूट की वारदात करने में उपयोग करते थे, जिनसे 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट करके मारपीट करके लूट करी है, एक आम राहगीर जो जा रहा था उससे मोबाइल और कैश लूटा है, और इसी प्रकार खुद एक ऑटो चालक के साथ भी मारपीट करी है, लूट का प्रयास किया है। इस प्रकार से 3 घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से इस गैंग से समझ में आया कि अन्य लोग भी जो ऑटो चालक के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि पब्लिक उन पर भरोसा करके बैठती है, आगे उनके साथ कोई वारदात ना हो, इसके लिए इस गैंग से पूछताछ के बाद अब पुलिस इसमें यातायात के साथ मिलकर के अगले कुछ दिनों में ये कार्रवाई शुरू करेगी कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो या मैजिक चलते हैं उन सब के मालिक और ड्राइवर, इनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन होगा, और यदि वो किसी भी हीनियस क्राइम में या ऐसे क्राइम में जो कि संपत्ति संबंधी हो, लूट या चोरी संबंधित हो, अपहरण से संबंधित हो या फिर छेड़खानी से संबंधित हो, महिला संबंधी अपराध हो, उनके जब तक उनके प्रकरण लंबित हैं, चाहे पुलिस में लंबित हो या न्यायालय में लंबित हो, उनके तब तक ड्राइविंग लाइसेंस RTO के माध्यम से निलंबित कराए जाएं, इसकी मुहिम चलाई जाएगी। इन्होंने अभी ऑटो में बैठा कर किसी सवारी के साथ नहीं किया है, लेकिन अपने ऑटो में अपने साथियों को बैठा करके और घेराबंदी करके मारपीट करना, लूटपाट करना, इसमें उस ऑटो का उपयोग किया है। एक बार अपने ही साथी को इन्होंने सवारी बना करके एक ऑटो में बैठाया, फिर उस ऑटो वाले के साथ लूटपाट करने का प्रयास किया। उज्जैन से अजय नियमा की रिपोर्ट।